हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसे नंबर के बारे में बताऊंगी जिनके साथ कल्कि अवतार का बहुत गहरा कनेक्शन रहेगा, क्योंकि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं और विष्णु भगवान का इस नंबर के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। मैं बात कर रही हूँ नंबर 3 की, जो जुपिटर का नंबर है, जो देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। एस्ट्रोलॉजी में इसे बहुत अधिक ऊंचा स्थान दिया गया है। इसे गुरु नंबर कहते हैं, इसे डिवाइन नंबर कहते हैं, क्योंकि ये विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। क्यों विष्णु भगवान को प्रिय है? कहते हैं विष्णु भगवान इस नंबर के रूलर हैं, रूलर ऑफ नंबर 3 इस विष्णु भगवान। तो उनके ही अवतार कल्कि अवतार भी भला इससे कैसे अछूते रहेंगे, तो कैसे कनेक्शन रहेगा कल्कि अवतार का 3 नंबर से, आज मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। सबसे पहले कल्कि अवतार के साथ किनका कनेक्शन रहेगा? शिव शक्ति का, यानी शंकर भगवान और पार्वती जी का। जब जब शंकर भगवान का आप नाम लेंगे, शंकर भगवान के साथ 3 नंबर का रहस्य आप लोग भी समझते होंगे और जानते होंगे। कई बातें हमेशा आपने देखी होंगी कि शंकर भगवान के संग नंबर 3 जुड़ा रहता है, इन बातों का प्रतीक है। सबसे पहला, जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्र 3 पत्तों वाला होता है, यहाँ जुड़ा नंबर 3। शिवलिंग पर, शिव जी के माथे पर आप 3 रेखाएँ देखते हैं, यहाँ पर नंबर आया 3। शिव जी का जो मुख्य चिन्ह है वो है त्रिशूल, उस त्रिशूल में भी आप 3 भाग देखते हैं। और इस संसार के जो त्रिदेव हैं वो भी हैं 3, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस प्रकार 3 नंबर जब शंकर भगवान से जुड़ा हुआ है, जब 3 नंबर के रूलर विष्णु भगवान हैं, तो कल्कि अवतार भला इससे कैसे अछूते रहेंगे। अब और एक बात, यही 3 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन लाइफ को, 3 एलिमेंट्स ह्यूमन लाइफ के, माइंड बॉडी और सोल, हुए ना 3 रिप्रेजेंट किया। अब ये सिंबलाइज करता है किसको? धरती, पाताल और आकाश। सबसे पहले आप आकाश का नाम लीजिए, फिर धरती और फिर पाताल। इस तरह से 3 नंबर यहां भी जुड़ा हुआ है। तो यही 3 नंबर कल्कि अवतार के साथ भी कैसे जुड़कर काम करेगा, क्योंकि शिव भगवान यदि कल्कि अवतार के साथ जुड़ गए हैं, शिव शक्ति यदि जुड़ गई हैं कल्कि अवतार के साथ, तो ये नंबर 3 भी उनके जीवन में बहुत अधिक महत्व रखेगा। अब एक और बात, राम जी के साथ, राम जी भी विष्णु भगवान के अवतार थे। राम जी की माएँ आप याद कीजिए, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब कृष्ण भगवान की 3 जगहों का उनके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है, वृंदावन, मथुरा, द्वारका। अब आप पूरी में जाइए और जगन्नाथ जी की मूर्ति के दर्शन कीजिए, वहाँ भी आपको 3 नजर आएंगे, यानी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। तो अब कल्कि अवतार किस तरह से इस नंबर 3 से जुड़े रहेंगे? 2 बातें मैंने आपको बताई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इसको रिप्रेजेंट करता है 3 नंबर, और 3 एलिमेंट्स ह्यूमन लाइफ के, यानी माइंड, बॉडी और सोल। तो आजकल क्या कहा जा रहा है कि ये तीनों चीज़ें, जिसने इन तीनों चीज़ों पर कब्जा कर लिया, यानी इसको कंट्रोल में कर लिया, अपनी सोल के वो नज़दीक चला गया, माइंड पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, और अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी इंद्रियों को यदि उसने वश में कर लिया, तो वो इंसान, उसके लिए कुछ भी अधूरा नहीं रह सकता इस दुनिया में, पहली बात। दूसरी बात, कल्कि अवतार का जन्म ही हुआ है इस धरती पर फैसला लेने के लिए,
जजमेंट देने के लिए, जजमेंट डे लाने के लिए अपने मिशन के तहत उन्हें नज़र रखनी है हर सोल के पास्ट प्रेजेंट पर, और पास्ट और प्रेजेंट जब खत्म होगा तो फ्यूचर को भी उन्हें लाना है, यानी फ्यूचर के ऊपर भी उन्हें काम करना है। तो पास्ट के कर्मों का हिसाब, उसके बाद प्रेजेंट में उसने कौन से कर्म किए उसका हिसाब किताब, उसके बाद उसका फ्यूचर उस सोल का कैसा होगा, यानी उसे दंड देना है, उसे मोक्ष देना है, उसे सतयुग में ले जाना है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पर ही कल के अवतार काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ये तीन नंबर जो विष्णु भगवान को प्रिय है, जो डिवाइन नंबर है, गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ है, ये तीन नंबर जो राम जी से जुड़ा हुआ, जो जगन्नाथ जी से जुड़ा हुआ, यही तीन नंबर कैसे कल्कि भगवान से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। तो बहुत ही क्लोज कनेक्शन विष्णु भगवान का और कल्कि अवतार का, साथ ही शंकर भगवान का और त्रिदेव का, यानी पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये नंबर थ्री वो डिवाइन नंबर है जो हर एक के जीवन में अपना अपना रोल निभाता है। और कहते हैं यदि जुपिटर की कृपा आप पर हो गई तो कोई भी इच्छा यदि आप चाहें तो डेफिनेटली आपके जीवन में पूरी होती ही है। तो इस तरह से पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का हिसाब किताब कल्कि अवतार अपने मिशन के तहत, यानी तीन नंबर, और माइंड बॉडी और सोल को बैलेंस करना भी वो कहीं ना कहीं आज के लोगों को सिखला रहे हैं, अदृश्य रूप में ही सही, किसी भी लेसन के जरिए। लेकिन आज हर कोई अपने सोल, माइंड और बॉडी को कंट्रोल करना सीख रहा है, कैसे क्रोध को हम करें कंट्रोल, नियंत्रण में रखें, कैसे खान पान को हम अपने नियंत्रण में रखें ताकि हमारी बॉडी सही चले और हमें लंबे समय तक मौत ना आए, हम जिंदा रहें और हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकें, और सोल को, सोल का कनेक्शन कैसे कल्कि अवतार के साथ हो। तभी तो हम जान पाएंगे, जब हम अपनी आत्मा को ही नहीं पहचानेंगे तो हम ईश्वर से कैसे जुड़ेंगे, हम कल्कि अवतार को कैसे पहचानेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया तीन नंबर, शंकर भगवान को प्रिय और उनके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण, विष्णु भगवान को प्रिय, राम जी को प्रिय, जगन्नाथ जी को प्रिय, और अब कल्कि अवतार को भी यही तीन नंबर बहुत अधिक प्रिय है, और उसी के अनुसार वो धरती, पाताल, आकाश और इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में काम करने के लिए हैं तैयार, और हो रहे हैं तैयार, और होंगे तैयार अपने गुरु के द्वारा, शिव शक्ति के द्वारा, हनुमान जी के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, और तभी अपने मिशन को वो कामयाब बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।